हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं आपका अपना राजू भाई और आपके सामने है जावा 42 बबर। और मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। सबसे पहले आपको देखने मिलते हैं इसके अंदर बार एंड मिरर, जो कि इसके मिरर थे वो एक्सीडेंट के कारण टूट चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लीवर भी टूट चुका है क्रैश में और इनके मिरर टूट चुके हैं। और भैया को वो पसंद नहीं है इसलिए भैया ने लगवाए। पसंद मतलब ये कि अब वो लग चुके हैं और टूट गए तो उसका लॉजिक भैया को लगता नहीं है तो भैया ने लगवाया। ये नाइट विजन वाले होते हैं, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। इधर आपको नाइट विजन मिलेगा, नाइट में भी बहुत ही इजी राइड हो जाती है इसे लगाने के बाद। साथ में अपनी कंप्यूटर रिकॉर्डिंग इसे जैसे मर्जी सेट कर सकते हैं। देख रहे हैं, चाहे इधर कर लो चाहे ऊपर कर लो, चाहे दाएं बाएं जहाँ आपका दिल करे वहाँ हो जाएगा। इधर भी और सेम आपको देखने को मिलेगा इस तरफ भी, ये सेम आपको वही चीज़ मिलेगी, जैसे मर्जी आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर मोबाइल होल्डर, जो कि आपको GPS राइट GPS वगैरह लगाने के काम आता है। मोबाइल माउंट करो और मैं GPS करो कहीं भी निकल जाओ तो ये हो गया। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर जो सबसे मेन जिसके लिए भैया आए थे शायद, वो है क्रैश गार्ड, जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी का सिंगल स्लाइडर के साथ बहुत ही हैवी क्वालिटी का लगा दिया गया है इसके अंदर क्रैश गार्ड। इससे आपके लेग्स भी सेफ हो जाते हैं, साथ में होती है पूरी बॉडी प्रोटेक्ट। के बाद इधर भी देख सकते हैं आप, साथ में ये देख सकते हैं, ये सेम आपको देखने मिलेगा और बहुत ही हैवी क्वालिटी का। और एक बात और बताना चाहूँगा, जिन लोगों को पता नहीं है वो बता देता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं जावा बोबर है ये, लेकिन लोग क्या करते हैं जावा का लगा देते हैं क्योंकि वो बहुत ही सस्ता और हल्की क्वालिटी में मिल जाता है। बोबर का जल्दी से मिलता नहीं है प्रॉपर फिटिंग का और हैवी क्वालिटी का, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास ही मिलता है और मार्केट में ज़्यादातर मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता। और उसमें क्या दिक्कत है बताया तुम, जैसे बैठते हैं ना ये, तो बैठने के बाद ये आपके जो लेग्स है ये पैर है ना पंजा, ये आप यहाँ टकराएगा ही टकराएगा। ये मैं डैम चोर होकर बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत से लोगों ने लगवाया था, उनका हमने उतारा है खुद, क्योंकि उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी क्योंकि लोगों ने सस्ते के कारण लगवा लिया। लोग बहुत से कहते ना महंगा है महंगा महंगा, भाई SKD महंगा नहीं है, SKD क्वालिटी वाला है। क्वालिटी चाहिए तो कहाँ ना आपको ओनली फॉर SKD, जो कि राजू भाई की शॉप है ना कि किसी और की। यहाँ का ऑनर भी मैं हूँ और वीडियो जो बना रहा हूँ वो भी मैं ही बना रहा हूँ पर्सनल, तो ध्यान दें। जनमन शॉप पर है, नकलियों से सावधान, जिनको काम करने तमीज ना हो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। इधर आपको देखने मिलता है सीट जो कि लगा दी गई है, इसमें बहुत ही हैवी क्वालिटी की सीट। और ये मेरा दावा भी है, चैलेंज भी है कि कंपनी से कंपेयर कर लेना, सेम ना हो तो डबल पैसे रिफंड मैं दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। मार्केट वाले बहुत कहते हैं ना सस्ता सस्ता सस्ता, भाइयों सस्ते पे नहीं जाता राजू, राजू जाता है हमेशा क्वालिटी पर। SKD का नाम ही क्वालिटी है, ध्यान रखना। और आप देख सकते हैं प्रॉपर इसकी बहुत ही हैवी क्वालिटी की, जो कि कम से कम आधा इंची का इसके अंदर लगाया गया है पूरा। ये आप प्लेट देखें जो कि लेज़र कटिंग है, देख सकते हैं पूरा देखने को मिलेगा आपको। साथ में इसमें जो बोल्ट है ना इसके, ये देख सकते हैं आप, जितने भी इसके बोल्ट वगैरह होते हैं ये सारे होते हैं स्टेनलेस स्टील वाले, ना कि लोहे के, स्टेनलेस स्टील होता है। और इसकी जो सीट है, ये जो आपकी जर्मन सीट है ना, इसके कंपैरिजन में बनाई गई है सेम डिट्टो, ना ही 19 ना ही 20, बिल्कुल डिट्टो है। उल्टा मैं देखूँ इससे मच बेटर मेरे हिसाब से तो है, बाकी आपको यार ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि आपकी बाइक है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही हैवी क्वालिटी की इसमें लगाई गई है। फिटमेंट आप इधर भी देख लें उधर देख लें, साथ में इधर भी देख लें आप, ये प्रॉपर जनरल फिटिंग आपको मिलेगी इसकी और बहुत ही हैवी क्वालिटी की इसके अंदर ये लगाई है। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जो की गई है PPF लैमिनेशन का जो यूज़ है वो बता देता हूँ आपको, कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि लोग नॉर्मल थर्ड क्वालिटी करा तो लेते हैं लेकिन उससे आपकी जो बाइक है ना इसका पेंट वगैरह हो जाता है बेकार, क्योंकि जब इसे उतारते हैं ना तो उतारने के बाद क्या होता है पेंट के साथ उतरती है। तो हमेशा जब भी लगवाएं टॉप क्वालिटी लगवाएं, ये देखिए ट्रिपल लेयर है, ये उतारेंगे आप ये देखिए पूरी शाइन। अब कोई जज कर दे कि ये लगाई भी गई है नहीं लगाई भी, कोई जज नहीं कर सकता इसके अंदर कि इसमें PPF लैमिनेशन की भी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ काम सारा क्वालिटी वाला होता है। देख सकते अंदर बैक साइड देखिए आप, ये देखिए पूरी, इसे कहते हैं प्रॉपर फिनिशिंग वाला काम। तो ये तो थी बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मिलवाते हैं भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा, तो कैसे हैं भैया और आप ये बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा काम। मस्त है भैया, और आपसे बात करके आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आए तो थे एक दो चीज़ें करवाने, लेकिन भैया ने जब सारी चीज़ों को बताया कि कैसे क्या है, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मन कर रहा कि ये एक और चीज़ लगा के जाएँ और चीज़ लगा के जाएँ, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया, अब अगली बार ज़रूर आएंगे भैया से मिलने। तो भैया मैं एक चीज़ तो आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब आए थे तो जो किसी की भी वीडियो देखे नाम कह रहा लेने के लिए आपको, तो आपको मिसगाइड किया गया था या नहीं किया गया था ये बताइए। देखो मिसगाइड तो हाँ सही बात कह रहे हो बिल्कुल भी, पहले हम जहाँ से देख के आए थे वहाँ बंदा अलग था, लेकिन आप किस्मत देखो गूगल मैप वगैरह से हम लोग देख के आए अच्छे से, हम यहाँ पहुँचे, जो जेन्युइन अच्छी और सही जगह है ना हम वहाँ पहुँचे। तो ये समझ जाओ, गूगल किसी पर विश्वास मत करो, सिर्फ गूगल पर विश्वास करो, गूगल दिखाता हमेशा जेन्युइन जगह, किसी फेक को नहीं दिखाया गूगल, सही करूँ भैया? बिल्कुल बिल्कुल। तो जेन्युइन शॉप पर आना आपकी प्रायोरिटी है, काम करने की प्रायोरिटी हमारी है। क्वालिटी वगैरह कैसी लगी सर आपको? क्वालिटी A1 क्वालिटी है, और बिल्कुल मतलब अब बाइक का लुक ही बदल गया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही है। तो भैया
ये सब थी बाइक की मॉडिफिकेशन। और अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी गूगल मारना है तो ओनली फॉर SKD नॉट अदर देन, ओनली फॉर SKD जो कि राजू भाई की शॉप है। यहाँ का ऑनर में वीडियोज़ में मैं बनाता हूँ, पहले जो था उसको छोड़ो, अब की बात करो, अब मैं हूँ और 2.5 साल से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और 25 साल से मैं इस लाइन में हूँ। 25 साल 25 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है कोई माइकल लाल तो आ जाए 25 साल का, मैं चैलेंज देता हूँ उसे, मेरे ऐसा काम करके दिखा दे, मेरे से क्वालिटी दे के दिखा दे, जो कहेगा वो हार जाऊँगा मैं, ये मेरी गारंटी है, चैलेंज है मेरा ये। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।